Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले से यूपी का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने राज्य की 10 राज्यसभा सीटों पर पहले ही 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब एक और नाम के ऐलान की तैयारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू में गुरुवार को ढील दी गई है। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील के आदेश दिए हैं ताकि लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ले सके। घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग शानदार रही और बाजार में कल शाम देखी तेजी का रुख आज भी जारी है। बैंक निफ्टी और ऑटो शेयरों की तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला है। बैंक शेयरों ने शुरुआत तो तेजी के साथ की थी, लेकिन बाजार खुलने के आधे घंटे बाद बैंक स्टॉक भी तेजी कम करते दिखाई दिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी अगर एमएसपी की गारंटी देते हैं तो हम मानेंगे कि मोदी इस देश के किसान के नेता है। किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने बॉर्डर सील कर रखे हैं। लोगों को निकलने के लिए काफी संकरी जगह छोड़ी गई है। ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को समस्या हो रही है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को लेकर 16 फरवरी को किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की ओर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिए शनिवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत आयोजित की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रह का बड़ा ऐलान है। पंजाब भर में आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक किए जाएंगे जाम। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एचएच मुहद्दन बिन अब्दुल रहमान के साथ एक सार्थक बैठक की। चर्चा में व्यापार और निवेश, ऊर्जा और वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भुवनेश्वर से कटक जा रही एक बस गोपालपुर के पास एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में पलट गई, जिससे बस कंडक्टर की मौत हो गई है और 12 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। एनसीपी विधायक अयोग्यता मामले पर आज फैसला आने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। अजित पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों को इस फैसले का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे की अनिश्चित भूख हड़ताल गुरुवार को छठे दिन में प्रवेश कर गई। हड़ताल के पांचवें दिन यानी बुधवार को मनोज जरांगे की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती देख उन्हें तरल पदार्थ दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने वैक्सीन प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के संस्थापक डॉक्टर साइरस पूनावाला को भारत रत्न देने की मांग की है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को बुधवार को चेतावनी दी कि यदि भूख हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो मराठा समुदाय के सदस्य महाराष्ट्र को उसी तरह आग लगा देंगे जैसे भगवान हनुमान ने लंका जलाई थी। बीजेपी ने बुधवार को द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए चौथा उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, जिससे सभी 6 उम्मीदवारों के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया। बुधवार को हुई बैठक में मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। BCCI सचिव जय शाह ने राजकोट में कई अहम बातें की। उन्होंने विराट कोहली का सपोर्ट किया जो अभी इंग्लैंड सीरीज से बाहर है। साथ ही राजकोट में उन्होंने ऐलान किया कि T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। महेश बाबू से 3 गुना ज्यादा डिमांड में बॉलीवुड के बादशाह हैं। किंग खान की सोशल मीडिया पर गजब की फैन फॉलोइंग है। दुनिया भर में शाहरुख खान के चाहने वालों की संख्या इतनी है कि उन्होंने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को पीछे छोड़ दिया है।
टीवी का मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी अबू धाबी में हुए बीपीएस मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने इस खास मौके पर यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की है और साथ ही दिलीप जोशी ने यूएई के शासक और प्रशासक की भी तारीफ की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।